तो जी आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक। तो एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें एक चौथाई कप ऑलिव ऑयल डालेंगे, आधा कप ब्राउन शुगर डाल देंगे, तीन चौथाई कप दूध डाल देंगे और आधा टेबलस्पून विनेगर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखो इस तरीके से हमारा ये पेस्ट बन जाएगा। फिर एक बाउल लेंगे, उसमें छलनी रखेंगे और उसमें एक कप हम मैदा लेंगे और 1/4 कप, 1/4 कोको पाउडर, 3/4 बेकिंग पाउडर, 1/4 बेकिंग सोडा ले लेंगे और इन सब को छलनी में से अच्छे से छान लेंगे। फिर जो हमने अपना ये बनाया था, बैटर बनाया था, उसको हम इसमें धीरे धीरे करके डाल देंगे। ये देखो इस तरीके से। और फिर इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे, जैसे जैसे हमें कंसिस्टेंसी चाहिएगी उस हिसाब से हम इसमें मिल्क ऐड करते रहेंगे और इतनी पतली हमें ऐसे कंसिस्टेंसी बना लेनी है। अब एक केक पैन लेंगे, इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, इसमें बटर पेपर लगा देंगे, फिर से ऑयल लगा के इसमें अपना जो बैटर था केक वाला वो डाल देंगे और इसको पैन को हम अच्छे से टैप कर लेंगे, जो भी एयर बबल्स हैं उनको बाहर निकाल लेंगे। और हम इसे कढ़ाई में ही बनाएंगे, कढ़ाई मैंने प्री हीट के लिए रख दी थी, तो कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें हम अपना बैटर रख देंगे और इसको ढक के 30 से 40 मिनट के लिए लो से मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे और बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे। केक देखो हमारा अच्छे से फूल गया है। अब इसमें एक टूथपिक डाल के हम चेक कर लेंगे, टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकला है तो हमारा केक पक गया है। और अब हम चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे गर्म पानी पर रख के और इसको हम क्रीम बनाने के लिए यूज़ करेंगे और इसको मैं अब केक पे लगा दूंगी। केक का जो ऊपर वाला पार्ट है थोड़ा सा उसे मैं काट के बाहर निकालूंगी, इसको हम एक बार बना लेंगे और इस पर अब मैं क्रीम लगा दूंगी अपनी चॉकलेट वाली। और मेरे पास कुछ वाइट चॉकलेट और ब्लैक चॉकलेट भी हैं, उन्हें मैं ग्रेट करके केक पे डाल दूंगी और कुछ जो चॉको चिप्स हैं वो मैं केक के साइड में लगा दूंगी। ये केक मैंने अपने नेबर के लिए बनाया है, उनके बेबी हुआ है तो हम उन्हीं के घर जा रहे हैं, तो मैंने कुछ गिफ्ट्स भी ले लिए हैं और केक भी उनके लिए रेडी कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस केक। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, तो कमेंट में बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे इंडियन आउटफिट पहनना बहुत अच्छा लगता है और वो लोग रशियन हैं तो हमारे इंडियन आउटफिट्स भी उन्हें दिखने चाहिए कि कैसे होते हैं। तो बस अब हम जा रहे हैं, केक मैंने रेडी कर लिया है और गिफ्ट्स भी ले लिए हैं, तो बस आप बताइए कैसा लगा। बाय।